महाराष्ट्र में सरकार को लेकर जारी है रस्साकशी, अपने अपने रुख पर अड़ी है बीजेपी और शिवसेना। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अड़ी है शिवसेना, कहा बीजेपी को पूरे करने चाहिए अपने वादे। शिवसेना ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा बहुमत है तो सरकार बनाकर दिखाओ, राज्यपाल के पास जाकर क्यों लौटे खाली हाथ। नए नवेले एमएलए से मिले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, पार्टी प्रमुख बोले किसी भी हाल में नहीं हटेंगे पीछे। शिवसेना को सताया तोड़फोड़ का शक, सारे विधायकों को पार्टी ने भेजा गेस्ट हाउस। बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की, कहा सरकार को लेकर आलाकमान फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब आगे क्या करना है इसकी रणनीति तय करेगा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले बीजेपी नेता, शिवसेना की भूमिका को लेकर माथापच्ची। तो हम तो वही कह रहे हैं भाई, देवेंद्र जी को आपने शिवसैनिक माना है, बस तो यही गुड न्यूज है, आप मान दो। तनातनी के बीच सक्रिय हुआ है महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ कानून व्यवस्था पर चर्चा की। महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर खुद के नाम की अटकलों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खारिज किया, कहा फडणवीस ही पार्टी की पसंद। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में सुरक्षा बहुत सख्त, चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरों से हो रही है निगरानी। अयोध्या फैसले से पहले रामलला के पुजारी सत्येंद्र दास ने भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, कर्नाटक से बनकर आई है विशेष प्रतिमा। इसी है कि इस मूर्ति को वहां पर स्थापित किया जाए, जो रामलला के चारों भाई हैं बालक रूप में वो रहेंगे ही, और मेरी ही भावना इसी है। अयोध्या फैसले के मद्देनजर वाराणसी में पीस कमेटी की बैठक, एसएसपी ने कविता के जरिए दिया समरसता का संदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में भी अयोध्या फैसले के मद्देनजर हलचल तेज, पुलिस प्रशासन ने निकाला सद्भावना मार्च। पंचकोसी परिक्रमा के लिए अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सरयू में स्नान के बाद परिक्रमा पथ पर निकले श्रद्धालु। अयोध्या निर्णय के चलते यूपी के हालात पर केंद्र सरकार की नजर, कानून व्यवस्था संभालने के लिए अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां रवाना। अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी अलर्ट पर प्रशासन, सोशल मीडिया को लेकर जारी की गई एडवाइजरी। तो ये लास्ट मोमेंट में अपने आपको दिखाना कि हमने इतना बड़ा कंसेशन किया है, ये कंफ्यूजन क्रिएट पैदा कर रहा है। 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, गुरु नानक के 550वें प्रकाश पर्व के लिए पहले जत्थे को रवाना करेंगे। डेरा बाबा नानक से रवाना होगा श्रद्धालुओं का जत्था, टेंट सिटी में बारिश ने जोश और उत्साह पर पानी डाला। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह के लिए तैयारियां पूरी, सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के जवानों की 3,500 संख्या में तैनाती। उद्घाटन के दिन कॉरिडोर से होकर गुरदासपुर से करतारपुर साहिब पहुंचेगा 550 लोगों का जत्था, मनमोहन सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की, करतारपुर साहिब में चढ़ाने के लिए सौंपे गए छत्र और रुमाल। नवजोत सिंह सिद्धू को सरकार ने करतारपुर जाने की इजाजत दी, पाकिस्तान ने पहले ही वीजा भेज दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्री हरमंदिर साहिब में टेका मत्था, गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के लिए लोगों को बधाई दी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली में ऑड इवन का मामला, जनहित याचिका पर कल हो सकती है सुनवाई। दिल्ली में प्रदूषण की राजनीति में बीजेपी सांसद विजय गोयल का नया पैंतरा, समर्थकों के साथ पराली लेकर पहुंचे डिप्टी सीएम के घर। धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में पीएम मोदी का संबोधन, कहा भारत में निवेश की होड़ बढ़ी। पुलिस वकील हिंसा मामले में गृह मंत्रालय ने पुलिस कमिश्नर को तलब किया, गृह सचिव से मिले अमूल्य पटनायक। दिल्ली में वकीलों और पुलिस के बीच विवाद जस का तस, वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। आज भी बंद किए गए अदालतों के गेट, फूल बांटकर वकीलों ने दिखाई गांधीगिरी। मामले निपटारे के लिए सुलह की कोशिशें भी जारी, पुलिस अफसरों और वकीलों के बीच बैठक हुई। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफसरों पर एफआईआर के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका, कल हो सकती है सुनवाई। मामले की मीडिया कवरेज रोकने के लिए वकीलों ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, जल्द सुनवाई से अदालत का इनकार।
तीसहजारी कोर्ट में बवाल का सामने आया नया वीडियो। इलाके की महिला डीसीपी के साथ हाथापाई करते दिखे कुछ वकील। आसमान पर पहुंचे प्याज टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम, एक महीने के अंदर चार गुना हुई कीमत। देश भर में प्याज के बढ़े दामों के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, बड़ी संख्या में शामिल हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। भुवनेश्वर में किसानों का प्रदर्शन, फसलों की सही कीमत नहीं मिलने को लेकर नाराजगी। मुजफ्फरनगर में ढाबे के कर्मचारियों में खूनी भिड़ंत, पीट पीट कर एक की हत्या। जौनपुर में नशे में धुत सिपाही का हंगामा, लोगों के साथ की गाली गलौज। मेरठ में रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने ग्राहकों के साथ मारपीट की, वारदात का वीडियो वायरल। यूपी पावर कॉरपोरेशन के पीएफ घोटाले पर नोएडा में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला फूंकने की कोशिश में पुलिस से भिड़ंत। बिजनौर नगर पालिका में सभासदों को चेयरमैन समर्थकों ने पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ी बस, ड्राइवर समेत तीन की मौत, 22 घायल। कौशाम्बी में घर में घुसकर नाबालिग भाई बहन को मारी गोली, जमीन के विवाद में हत्या का शक। जबलपुर में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में महुआ की पेड़ के चमत्कारी होने की अफवाह उड़ी, पेड़ से लिपटने पर बीमारियां ठीक होने का दावा किया गया। भुवनेश्वर में बनाए एक साथ सबसे अधिक लोगों के ब्रश करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, पटनायक सरकार के दो मंत्री भी बने गवाह। कोलगेट पामोलिव की पहल पर चलाया गया ओरल केयर अभियान, 26,382 छात्र शामिल हुए। चेन्नई के लोगों का भी वायु प्रदूषण से सामना, अधिकतर इलाकों में छाई धुंध, हवा की गुणवत्ता बहुत खराब। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बरसात, तापमान लुढ़कने से बढ़ी ठंड, प्रदूषण से भी राहत। हरियाणा में बारिश ने किसानों के चेहरे से छीनी मुस्कान, कई इलाकों में फसलों को भारी नुकसान। कर्नाटक के बादामी में तेज बारिश से झील में दरार, बस्तियों में आई बाढ़। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में समय से पहले जोरदार बर्फबारी, श्रीनगर में बर्फ से पटी सड़कें, मकान और जंगल। श्रीनगर में सड़कों पर यातायात ठप, बर्फ हटाने के काम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ बटाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी, कई इलाकों पर यातायात ठप होने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बिछी बर्फ की चादर, हर तरफ सफेद ही सफेद। तेज बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति में सड़कें बंद, बीच रास्ते में फंसी कई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जोरदार बर्फबारी, तेज बारिश की तरह आसमान से बरस रही है बर्फ। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ, सैलानियों ने खूब धमाल किया। शिमला में सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे, दिल्ली के प्रदूषण ने बढ़ाया पहाड़ों पर पर्यटन का कारोबार। गंगोत्री में मंदिर के आसपास के इलाके में छाई बर्फीली धुंध, श्रद्धालुओं की आवाजाही पहले हो चुकी है बंद। बद्रीनाथ धाम में भी गिरने लगी बर्फ, 17 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट, बर्फबारी से श्रद्धालुओं में बढ़ा जोश। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा पहाड़, सड़क के दोनों ओर फंसे हजारों श्रद्धालु। तो 83 अंकों की बढ़त के साथ 40,653 के नए उच्चतम स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 46 अंक बढ़कर 12,012 पर बंद। रियल एस्टेट के लिए बनाए गए एआईएफ में केवल 2,500 करोड़ ही निवेश करेगा एसबीआई, आरबीआई की 10% की सीमा के चलते फैसला। एमटीएनएल बीएसएनएल के वीआरएस से 80,000 कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने का अनुमान है, सालाना 7,000 करोड़ की होगी बचत। एनसीआर में पेट्रोल पंप खोलने का मिल रहा है मौका, 22 नवंबर है आवेदन की अंतिम तारीख। इंफोसिस के बाद कॉग्निजेंट भी करेगा 7,000 कर्मचारियों की छटनी, अगले साल होगी छुट्टी। खर्च में कटौती करने के लिए इंफोसिस बढ़ाएगा फ्रेशर्स की संख्या, 100-150 मिलियन डॉलर की बचत का लक्ष्य है। एचपी को खरीदने के लिए जीरोक्स ने लगाई $33 अरब की बोली, एचपी ने अभी तक नहीं भरी हामी। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस के नई पॉलिसी बेचने पर इरडा ने लगाई रोक, अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस। 30 नवंबर से जीवन आनंद, जीवन उमंग समेत कई एलआईसी पॉलिसी होंगी स्थगित,
इरडा के निर्देशों के अनुसार बदलाव के बाद होंगी शुरू। जेवर हवाई अड्डे के लिए गौतम अडानी की अडानी एंटरप्राइजेज ने लगाई बोली, डायल समेत कुल 4 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार की दलील, उत्पादन में 30-40% कमी का असर। नोकिया लेकर आ रही है स्मार्ट टीवी, फ्लिपकार्ट के साथ किया करार। टेक्डा फार्मा ने किया डेंगू की वैक्सीन विकसित करने का दावा, कहा 4 से 16 साल के बच्चों में 80% सफल नतीजे। कारोबारियों ने सरकार के लिए फ्लिपकार्ट को बंद करने की मांग, बैलेंस शीट में गड़बड़ी का हवाला दिया। भारत की पहली BS6 बाइक हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट लॉन्च, 64,900 रुपए है शुरुआती दाम।